दोस्तों सीबीएसई ने क्लास 10th के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 10th क्लास के मार्क्स कितने इम्पोर्टेंट है आपके करियर में। दोस्तों अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले, अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं कि क्लास 10th के मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आज सीबीएसई ने क्लास 10th के नतीजे अनाउंस कर दिए हैं। ऐसे में बहुत सारे अदर बोर्ड्स है, स्टेट बोर्ड्स है, उनके भी क्लास 10th के नतीजे अनाउंस हो चुके हैं और जिन बोर्ड्स के नतीजे अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं उनके भी जल्द होने वाले हैं। ऐसे में स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि 10th के मार्क्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या 10th के मार्क्स हमें कहीं पूछे जाएंगे, अगर हम फ्यूचर में कहीं जॉब करते हैं तो क्या हमारे 10th के मार्क्स के बारे में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो ऐसे ही कई सारे सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं क्लास 10th के मार्क्स की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए क्लास 10th के मार्क्स जो है वो आपको आपके कॉलेज के समय मांगे जाएंगे एज ए प्रूफ के तौर पे। साथ ही साथ अगर आप जॉब करने जाते हैं तभी आपको अपने क्लास 10th की मार्कशीट जो है शो करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहती है मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर केसेस में अथॉरिटीज आपकी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए क्लास 10th की मार्कशीट का यूज करती है। अब ऐसा नहीं है कि जिनके अच्छे मार्क्स आ गए, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो उनको कोई ज्यादा वेटेज मिल जाएगी। क्या अगर वेटेज जो है फ्यूचर में होने वाली है स्किल्स पे, मान लीजिए अगर आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करने के बाद आप जो है कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं तो ऐसे में कंपनी ये नहीं देखेगी कि आपकी क्लास 10th में कितने मार्क्स थे, वो आपसे कंपनी का जो भी काम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगी। अगर आपको स्किल्स आते हैं, अगर आप में नॉलेज है तो कंपनी आपको स्ट्रेट अवे आपको हायर कर लेगी। और फ्यूचर में दोस्तों इतना ही काम आता है तो आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है अगर आपके 10th में मार्क्स अभी एवरेज रह गए हैं या फिर कम आ गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ 10th के बाद वाला जो फेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट कैसे है कि अब आप लोगों को ये चूज करना है कि आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट्स लेनी है। आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि आप किस चीज में बेस्ट है, फ्यूचर में आपको किस फील्ड में जाना है, उसी अकॉर्डिंग जो है आप अपने स्ट्रीम चूज करो। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि भाई साइंस तो वही लेता है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, फिर कॉमर्स वो लेता है जो जिसके एवरेज मार्क्स आते हैं और आर्ट्स वो लेते हैं जो सबसे गए गुजरे होते हैं। ये सबसे बेकार मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ। द मेन थिंग जो कि आने वाली फ्यूचर में काम आने वाली है वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं फ्यूचर में, क्या आप वो काम तो नहीं कर रहे जो आपको नहीं पसंद है, और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद है तो फ्यूचर में आप कभी भी सक्सीड नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10th के बाद वाला फेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेल्फ एनालाइज करो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि जो आपके सीनियर है 11th क्लास वाले हैं उनकी बुक्स आप देख सकते हो, साइंस वाले की बुक देख लो, कॉमर्स वाले की बुक्स देख लो, आर्ट्स वाले की बुक्स देख लो। आजकल तो आप जो है ऑनलाइन जाके एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी जाके बुक्स को एक बार एनालाइज कर लो, आप किस चीज में अच्छे हो अपने आप से ये पूछ लो, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लो। किसी की देखा देखी सब्जेक्ट मत लेना, वही स्ट्रीम लेना जो आपको पसंद है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनका 10th तक तो वो बहुत एवरेज स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे पढ़ाई में, बट 10th के बाद वो इतने अच्छे हो गए क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रीम चूज कर ली जिनमें उनका इंटरेस्ट था। तो ऐसे में आप लोगों को वही स्ट्रीम चूज करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आने वाले फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी तीनों ही स्ट्रीम में है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि भाई साइंस में जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कॉमर्स और आर्ट्स में कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तीनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये खत्म करेंगे। आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की, समझाने की, वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे एजुकेशन, ओपिनियन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड। साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। आप वहां जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं उन वीडियोस के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।